राजस्थान स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा 1 व 2 अक्टूबर को राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश श्रीमाली ने बताया कि खेल भावना के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को उचित मंच मिल सके ऐसा प्रयास भी किया जाएगा। राजस्थान स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव विनोद साहू ने बताया है कि जूनियर वर्ग 23 वर्ष एवं मास्टर 40 आयु वर्ग का आयोजन भी होगा। वहीं वेट कैटेगरी में पुरुष वर्ग में 59 किलोग्राम, 66, 74, 83, 93, 105, 120 और इससे अधिक भार वर्ग भी होगा। वहीं महिला वर्ग में 47 किलो, 52, 57, 63, 69, 76 और 84 इससे अधिक भी कैटेगरी होगी। विजेता को एसोसिएशन की ओर से नवाजा जाएगा। ईश्वर शर्मा ने बताया है कि कोटा राजस्थान स्टेट जूनियर सीनियर एवं मास्टर मैन एंड विमेन बेंच जो है प्रेस पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन कोटा के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रतियोगिता का शुभारंभ 1 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से होगा। दादी छात्रावास ऑडिटोरियम गायत्री विहार कोटा एवं दादी छात्रावास कोटा कोटड़ी रोड नाग नागिन मंदिर के पास होगा। 27वीं बेंच प्रेस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र के हमारे जो अतिथि रहेंगे उसमें कोटा जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के रविंद्र जी त्यागी, खादी ग्रामो बोर्ड के उपाध्यक्ष पंकज जी मेहता साहब और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जफर मोहम्मद साहब, ये उद्घाटन सत्र रहेगा। समापन सत्र में हमने कोटा जिला कलेक्टर साहब बुनकर साहब को, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अनुराग जी भार्गव साहब को, एक पुलिस उपाधीक्षक हैं जैन साहब, उनको इनको समापन में हमने बुलाया है। और इस अवसर पर हम एक अरुंधति चौधरी, जिसने कोटा का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन किया है बॉक्सर, हम उसको भी बुलाना चाह रहे हैं। यदि वो 2 तारीख को कोटा में उपलब्ध रही तो निश्चित रूप से उसका भी बड़ा सम्मान किया जाए। कोटा के दादी छात्रावास में जिला पावरलिफ्टिंग संघ कोटा की ओर से 1 से 2 अक्टूबर को राजस्थान राज्य जूनियर सीनियर मास्टर पुरुष एवं महिला बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लगभग 17 जिलों के 250 से 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के आधार पर हम राजस्थान टीम का सिलेक्शन करेंगे।